इसने वहाँ पे बैठ के ड्रिंक की है, ड्रिंक करने के बाद उसने मुझे छेड़ा है कल। इसको इतनी दिमाग, इसमें इतनी अकल नहीं है। चल ठीक है, आपस में ही तो हुआ, किसी की बाहर के को तो नहीं छेड़ा। बाहर के क्या बोल रहे हैं, माफी तो मांगे कम से कम, उसको इतनी भी शर्म नहीं आ रही। माफी मांगने साले भी तुझे तोड़ दूंगा। चल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल THF कुड़ियो द टेशन माफिया चौधरी। और आप इनको तो जानते ही होंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल शर्मा। आ गया हूं तुमसे इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। वैसे आज ही प्रैंक करने आई है मेरे दोस्त को। हम लोग आए थे दोस्त के पास, एक शूट मैंने किया है, तो मैं सोचा अगर तू भी आई है तो तू प्रैंक कर ले जाए। इनके है वो बेस्ट फ्रेंड, नाम है अभिषेक भैया। तो अभी मैं अंदर गया नहीं हूं, यही घुस जाएगी। देखो पता नहीं क्या क्या नाम से ना बोलेगी मेरे बारे में। ठीक है, तो देख माइंड मत करना यार, सर प्रैंक है। ठीक है, प्रैंक के तरीके से लेना। जा रहा हूं अंदर, फ्रीजर बुला लो। हां हां, इधर लगा ले। एक सेकंड रुको, मैं इसको इसलिए आपको बाहर बुला के, वो कस्टमर्स आए हुए हैं ना, तो उनके सामने फिर अच्छा नहीं लगता। मुझे बात करनी है आपके बेस्ट फ्रेंड के बारे में। क्या हो गया भैया? अब एक बात बताओ, आप इतने सीधे से हो, थोड़ा बहुत अपनी जो सीधाई है थोड़ा उसको भी सिखा देते। जितनी अकल आप में है थोड़ी उसे दे देते। जब आप रहे हो उसके साथ इतने टाइम से, आपको पता भी कल रात हुआ क्या है? क्या हुआ? मैं आपको बता नहीं सकती, मेरा इतना दिमाग खराब है ना। आप इधर आ जाओ, फालतू में उधर से सामने लोग देखेंगे मुझे अच्छा नहीं लगेगा। फालतू में कहीं ऐसा ना हो आपकी बेइज्जती हो जाए, मैं वो चीज नहीं चाहती। कल रात आपके यहाँ आए थे, शूट चला था, शूट के बाद सोने की बात हुई थी, आप पहले सोने चले गए थे, हम लोग थोड़ा काम वाम कर रहे थे, बोला था बाद में करके आएंगे। इसका सीन बन गया पीने का, रात में इसने ड्रिंक की है वहीं पे बैठ के। आप लोग तो सोने चले गए आप और भाभी, इसने वहां पे बैठ के ड्रिंक की है, ड्रिंक करने के बाद उसने मुझे छेड़ा है कल। नहीं यार राहुल, कहां इस तरह की हरकत करेगा भाई? मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं राहुल, कहां इस तरह की झूठ भैया? उसने कल रात मुझे छेड़ा है। कल रात मैंने आपको मॉर्निंग में मिली मैं वहां पे? नहीं, तुम तो थी नहीं। अरे हम तो उठे, हमें 9 बज गए, हमें उठते उठते हमें लग रहा है हम तो 9:30 बजे के करीब उठे। उसने मुझे छेड़ा, पता नहीं कहां से उसके दिमाग में आया कि वो ड्रिंक करने का, और उसने इतनी ओवर ड्रिंक कर ली मुझे छेड़ने लगा। मुझे भैया वो मेरे पेट पे हाथ लगा रहा था, मतलब पता नहीं शर्म रही है उसमें या नहीं रही है। विश्वास तो नहीं हो रहा ये बात। अगर ये बात उसको, एक काम करो तुम बुलाओ, फिर आप कॉल करो, कॉल कर करो, आ जाएगा, यहीं पर ही है। वो जानबूझ के नहीं आया आपके सामने कि आप उसे उल्टा बोलोगे कुछ। भैया देखो देखो, मैं आपको साफ, देखो मेरी बात सुनो, मैं पता है क्या करने वाली हूँ, मैं करने वाली हूँ उसके अगेंस्ट कंप्लेन, इसीलिए मैं आई हूँ। मैं उसे लेकर जा रही हूँ, मैं आपके पास सिर्फ और सिर्फ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे आपकी गवाही चाहिए कि हाँ हम लोग आपके पास आए थे। ठीक है, बात मेरी बात जो बात ऐसी सेटल हो सकती है उसको जबरदस्ती करते हो क्यों? उसको अब एक बात बताओ, वो बंदा ठीक है बोल रहा है कि हाँ मैंने छेड़ दिया तो क्या हो गया, इस तरीके का एटीट्यूड है उसका, क्या बोलूंगी मैं? तो पहले काम करो राहुल, काम उसको बुलाओ, हम समझा रहे हैं। तो मैं ही बुलाते हैं, रुको बुलाओ, उसको बुलाओ, समझाते हैं, इसे मत करो। देखो आपस, और मुझे ना फुटेज चाहिए आपके यहाँ की, मेरी वैसे बात हो गई है वहाँ पे, मैं बात करके आई हूँ मेंटेनेंस में। जबरदस्ती का देखो, जो काम जो आसानी से निपट सकता उसको क्यों जबरदस्ती का तुम लोग उधर लपेट रही हो? उसको तुम बुलाओ भी, हम समझाते हैं। जबरदस्ती का बयाना हो जाएगा यार, परेशान नहीं हो, वो हम आपस में अभी हेलो कहाँ है तू? इधर फटाफट भाई के यहाँ पे। मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पर आ फटाफट। उसके ऊपर तो मतलब विश्वास, मतलब इस चीज को लेकर विश्वास नहीं कर सकते उसके ऊपर, विश्वास नहीं कर सकते भाई। मेरे साथ हुआ है तभी मैं बोल रही हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मेरा दिमाग खराब नहीं है। उसने ऐसी हरकत की है इसलिए मैं आपके पास आई, क्योंकि मैं आप पे बिलीव करती हूँ, और मुझे ये भी पता मेरा साथ दोगे ऐसे में। तो यार देखो यार, तुम जानती हो बहन की तरह मेरी, तुम्हें पता है भैया। देखो सीधी सी बात है, मुझे आपकी चाहिए आईडी भी, क्योंकि मुझे वहाँ पे ये दिखाना है मैं किसके फ्लैट पर गई थी, तो मैं मेनली आईडी के लिए आई हूँ। पागल है क्या तू? क्या किया? अरे हो गया, मान ही नहीं रही तो वो गलती जो थी हो गई। देता हूं वो भी गलती थी, तेरा दिमाग खराब है। अब मैं इसको समझा रहा हूं, चल ठीक है आदमी भाई, कभी कभार आदमी नशे के होते, कोई गलती नशे में हुई है ना, नशे में तो छेड़ता है क्या कोई किसी को? गलती से हुआ है, फालतू बातें कर रही है, और ये देखो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है ना, सॉरी बोल रहा है, तुमसे जेली नहीं जाती।
जब तुम्हारी नशेबाजी की इतनी औकात नहीं तो क्यों पी लेते हो? और आपस में ही मतलब ये सब चीजें इस तरह की गंदगी तुम लोग आपस में कर रहे हो। ठीक है, मेरे को बता, इसको इतनी दिमाग, इसमें इतनी अकल नहीं है। चल ठीक है, आपस में ही तो हुआ, किसी की बाहर के को जो छिड़े बाहर के। क्या बोल रहे हैं? सुनो सुनो, आपस में ही हुआ तो कुछ भी करेगा क्या? फालतू की बात करे जा रहे हैं। अब बात तो सुन लो भाई, कैसी बोले जा रही है? क्या हो गया तुमको? ये देखो, ये एटीट्यूड है इसका, ये एटीट्यूड दिखा रहा है यहाँ पे। भैया आप साथ दे रहे हो, आप मुझे आईडी दे रहे हो, मैं लेके जा रही हूँ। मेरे को क्यों बोल? अच्छा हो गया, ठीक है, तू उल्टा कम, तू तो मेरे साथ दे भी, ठीक है, बोल उसको, खुद समझा उसको। ऐसे तू बोलेगा तो वो तो और बातें बढ़ाने वाली बात होगी। जो चीज वहाँ खत्म होने वाली है वो जबरदस्ती को कह रही थाने जाएगी, थाने पुलिस करेगी। भैया बेवकूफ आदमी, जो चीज तुम्हें एक बार समझा दिया कि आपस में इस तरह की कोई हरकत मत करो, शांत रहेगा भैया आगे। अरे कुछ नहीं, इस तरह की हरकत मत, आपस में कम से कम अपने टीम में उस हिसाब से सारी चीजें करो, सब मैनेज करो आपस। अब बताओ इसको करना क्या है? इसको बिल्कुल शर्म भी नहीं आई है, मतलब ऐसी हरकत करने के बाद भी क्या ठीक है? भाई भैया को भी तो पता चलना चाहिए कि क्या किया है तूने। अरे उस दिन फ्लैट पे उस दिन ही आए थे शूटिंग के लिए, वहाँ ये नशेबाजी कर लिए रात में ज्यादा, पता नहीं क्या रात में ये कह रही, ये कुछ इन्होंने जो है पता नहीं क्या रात में कुछ क्या कर दिए, ये अब ये कह रही कि हम एफआईआर करेंगे, ये करेंगे जबरदस्ती। अरे ये सब आपस की चीज है, तो जबरदस्ती का चक्कर मत करो। और देखो ठीक है, आपस की चीज क्या भैया, कम से कम उसको शर्म तो आनी चाहिए, माफी तो मांगे कम से कम, उसको इतनी भी शर्म नहीं आ रही। माफी मांगने पहले भी तुझे तोड़ दूंगा, चल। सॉरी बोल, चल सॉरी बोल तो दिया, दिखा रहे भैया वो हंस के दिखा रहे, इसको शर्म नहीं आ रही है। सॉरी बोल, ऐसे सॉरी, ऐसे सॉरी एक्सेप्ट करूंगी मैं। मैं जा रही हूँ भैया, देखो मुझे नहीं सुनना कुछ, मैं जा रही हूँ पुलिस के पास, आपने आना हो आ जाओ। क्या सॉरी बोलते थे? ठीक है सॉरी, नजर मिला के ठीक है सॉरी, ये एटीट्यूड वाला सॉरी ये एक्सेप्ट करूंगी मैं। चैनल से निकाल दोगे ये कर देंगे, इतने बड़े मालिक मत बनो मेरे भाई, समझे? वो भी एक्सेप्ट कर रही हूँ, लेकिन उसका एटीट्यूड तो देख लो कि वो किस तरीके से बात कर रहा है। बस अब तो फिर औलिया भैया आप रहने दो, आपसे नहीं हो पाएगा, ना वो समझ रहा है, ठीक है ना, मैं जा रही हूँ, मेरे सुनने की तैयार नहीं है। क्यों ना जाऊँ? अबे जबरदस्ती बता के जा सारी बात, बता दे क्या वो जबरदस्ती को मेरे फ्लैट पे का कांड हुआ सारा। एग्जैक्टली मेरी वैसे मेंटेनेंस से बात हो गई है, बता के जा इनको ना। देखो भैया मैं क्लियर आपको एक बात बताना चाहती हूँ, साफ सीधी सी बात है और कान खोल के आप भी सुन लेना। मेरी राहुल से बात हुई थी, सुनो मेरी राहुल से बात हुई थी, राहुल को मैं यहाँ लेकर आई थी, और सिर्फ क्या करने के लिए लेकर आई थी, मैं सोच रही थी भैया पे प्रैंक हो जाए, बस उसी के लिए मैं आई थी और प्रैंक हो गया हो गया। इसी के साथ करते हैं वीडियो समाप्त। वैसे दोनों भाइयों का बकरा कट गया, ये दोनों हमारे बड़े भाई जैसे ही है बिल्कुल। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अब तो यहाँ पे मस्ती चलती रहेगी और अब मैं भी जाके शामिल हो जाऊँगी। और फिर ऐसे ही हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और देखते रहना मेरा चैनल THF कुड़ियों दा टेंशन।